अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका शेफ अफजल निजामी। आप देख रहे हैं निजामी स्वीट एंड कुकिंग। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ कमेंट्स भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और साथ साथ जो है वो मैं जो पिछली दफा मैंने चीनी डाली थी, चीनी से जो करारा बनाया था, करारा बोलते हैं उसको, बूरा भी बोलते हैं, और मैं समझता हूँ कि उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो कलाकंद के अंदर डलता है और लड्डुओं के अंदर जो बेसन के लड्डू हैं उसके लिए बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है। ओरिजिनल रेसिपी जो है वो इसी के साथ है, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको ज़रूर बनाएंगे। बनाने के बाद जो है वो लड्डू बनाएंगे और मुझे तस्वीरें भेज दें, क्योंकि मैं बड़ा खुश होता हूँ जो अगर आप तस्वीरें भेजते हैं उसकी, बना के जो भी आप काम करते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन बहुत शुक्रिया, आज जो है वो हमारे पास है क्योंकि ईद की आमद आमद है। मैं समझता हूँ कि आप अच्छी से अच्छी रंगीन कोई भी चीज बनाएं, आज रंगीन कलाकंद बनाएंगे। बहुत मजेदार है और बहुत आसान है, बहुत ही आसान मैंने कर दी है, और उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप बहुत लाइक करेंगे पहली की तरह, और इसी तरीके से इसको भी एंजॉय करेंगे, सीखेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि इसी तरीके से हम सिखाते रहें और आप सीखते रहें। तो चलते हैं अपने किचन की तरफ। अच्छा जी, रंगीन कलाकंद के लिए आपके पास है आधा किलो खोया, ठीक है। आधा किलो खोए की आज रेसिपी बनाएंगे। आधा किलो खोया है, और ये है हमारे पास रंगीन सेवइयां, बहुत प्यारी है, जबरदस्त इंशाल्लाह इसका कलर कॉम्बिनेशन निकल के आएगा। रंगीन सेवइयां है मेरे पास, और ये है आधा पाव, आधा किलो खोया, आधा पाव रंगीन सेवइयां, और आधा पाव ही वो ही चीनी जो मैंने बनाई थी बारीक वाली, जो के शीरे से चीनी बनाई थी, ये वही वाली है, ठीक है। बहुत मज़ेदार आज जो है ये काम होगा, और मुझे खुशी है कि आज ओरिजिनल कर रहा हूँ। अगर आप ये ना बनाए तो फिर पिसी चीनी जो है, चीनी को पीस कर ग्राइंड करके और उसको छान के आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, ठीक है। 5-6 इलायची के दाने हैं मेरे पास, जिसको मैंने अच्छे तरीके से उसको कूट लिया है, कूट के जो है वो मैंने बारीक कर लिए, और इसके साथ गार्निश के लिए मेरे पास पिस्ता है जिससे हम इसकी गार्निश करेंगे, ठीक है। ये 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन है और इससे बनेगी रंगीन कलाकंद, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हम खोया डालेंगे। अच्छा, खोए का मैं अक्सर ये बताता रहता हूँ कि खोए को एक तो आपने देख लेना है जब भी खोया आप बाजार से लेके आए। मैंने बनाना भी आपको सिखा दिया कि अगर आप बहुत ही ओरिजिनल काम माशाल्लाह करना चाहते हैं तो आप घर में खोया बना लें, ठीक है। 1-2 किलो का खोया बना लें, जो कि 100 ग्राम बनेगा 1 किलो से, 3 किलो का खोया 300 ग्राम बनेगा उसमें से। तो ओरिजिनल काम करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से कर लीजिएगा, और मैं समझता हूँ कि ये खोया बहुत अच्छा है, और अच्छा वाला खोया लेके आइएगा, ठीक है। अब हम इसको भूनेंगे। देखिए, दो चीजें होती हैं इसके अंदर, जब भी आप बाजार से खोया लेके आते हो तो वो जब आप गर्म करते हो, एक तो या तो वो पतला हो जाता है, ठीक है, नरम उन्होंने उतारा होता है वजन वेट को बढ़ाने के लिए, इससे उनको फायदा होता है, और दूसरा ये है अगर अच्छी दुकान से किसी से खोया आ जाए तो वो टाइट होगा, ठीक है। अगर टाइट हो तो एक उबाल दिलाना है आपने, अगर पतला हो तो फिर आपने थोड़ा सा उसको भून लेना है, अच्छे तरीके से आपने भून के देखें कि वो सख्त हो गया है तो उसको आपने उतार लेना है। ये है दो चीजें, ठीक है। और खोए को ला के उसके अंदर जरूर आप उसको छानबीन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ये खुले मैदान के अंदर बनता है, खुले जो है उसमें प्लाटों में ये बनाया जाता है, भट्टियां बहुत बड़ी बड़ी लगी होती हैं, तो उसमें ये है कि कोई तिनके आ जाते हैं, कोई हवा के साथ जो है पत्ते आ जाते हैं, तो इन चीजों को इसमें से निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको गर्म कर रहा हूँ खोए को, देखते हैं क्या कंडीशन है। अगर ये पतला हुआ मैं फिर भी बता दूंगा आपको, अगर ये टाइट हुआ तो फिर भी मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं हल्की आंच के ऊपर इसको जरा गर्म करूंगा। अच्छा जी, खोया हमारा टाइट था और हमने इसको क्या किया है, गर्म ही किया है। देखें, कोई पानी नहीं है इसके अंदर। अगर खोया आपका पतला हो तो आप उसको भून लीजिएगा, मैंने पहले ही यही बात बोली थी, ठीक है। अब मैं इसका चूल्हा, अब देखें कोई भी है इसके अंदर वो नहीं है कि पानी हो इसके अंदर, बहुत अच्छा खोया मुझे मिला है। और मैं इसके अंदर क्या करूंगा, चूल्हा इसका बंद कर दूंगा, क्योंकि अभी गुंजाइश नहीं है, बहुत ज्यादा सुखाना नहीं है। अब मैं इसके अंदर जो है वो इलायची शामिल कर दी मैंने, शामिल करके मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूंगा, और मिक्स करने के बाद जो है
वो मैं इसको ठंडा होने के लिए मैं एक साइड पे कर दूंगा इसको, कि जरा सा जैसे ये ठंडा होता है उसके बाद आगे चल के इंशाल्लाह बताएंगे कि क्या करना है हमने और किस तरीके से इस रंगीन कलाकंद को किस तरीके से हमने लेके चलना है। ठीक है, ये रख गया हमारा। ठीक है, इसको थोड़ा सा फैला देते हैं और फैलाने के बाद जो है इसको साइड पे कर देते हैं। ठीक है, एक साइड पे हमने रख दिया। अच्छा जी, अब बारी आ गई हमारी सेवइयों की। कुछ लोग क्या करते हैं कि दूध के अंदर इसको पका लेते हैं और जो भी चीज बनाते हैं उसके अंदर इसको डाल के गलाने की गलती करते हैं। ठीक है, ऐसा ना कीजिएगा। जब मैंने पिछली दफा भी एक चीज बनाई थी तो उसके अंदर जब मैंने इसको डाला था लबे शीरी के अंदर, तो मैंने यही इसी तरीके से बताया था कि पहले आपने क्या करना है कि पानी को गर्म करना है, उबाल आ जाए, पानी का चूल्हा आपने बंद कर देना है, जब जाके ये सेवइयां इसके अंदर आपने शामिल करनी है। इसी उबले हुए पानी के अंदर ही ये इंशाल्लाह हो जाएंगी और मैं आपको करके दिखाता हूँ फिर दोबारा। ठीक है, अभी इंतजार करते हैं कि पानी का उबाल आ जाए और उस तरफ जो है हमारा खोया जो है वो ठंडा हो जाए। ठीक है, जो हमने अभी भून के उस साइड पे रखा है। अच्छा जी, आपने देखा कि ये पानी को उबाल आ चुका है। ठीक है, अब उबाल आए तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है। ठीक है, चूल्हा बंद। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ये रंगीन सेवइयां जो है उबले हुए पानी के अंदर शामिल करेंगे। जी, तो हमने जो सेवइयां है रंगीन सेवइयां इसके अंदर शामिल कर दी। अब हम क्या करेंगे कि इसका चूल्हा बंद ही रखेंगे। ठीक है, और इसको फौरन, ये देखें इकट्ठी हो गई है क्योंकि गर्म पानी इसको लगा है तो ये इकट्ठी हो गई। आपने इसी के अंदर रहने देनी है। ठीक है, 2 से 4 मिनट 5 मिनट ये लेंगी और इंशाल्लाह ये इसी के अंदर गल जाएगी। और बड़ी मजेदार, एक इसके दो फायदे हैं। एक तो ये है कि इसका कलर फेड नहीं होता और दूसरा ये है कि ये ओवर नहीं होती या कच्ची नहीं रहती। ये दो फायदे होते हैं। जब भी इंसान आहिस्ता सा इसको निकाले, निकाल के देख ले कि आया सेवइयां जो है हमारी गल चुकी हैं, तो ये डाउट वाली बात इसमें नहीं होती। अगर आप उबालेंगे तो उसमें ये है कि या तो ओवर कुक हो जाएंगी या ये कच्ची रह जाएंगी। ठीक है, जब मर्जी इसको देखें 5 मिनट के बाद, माशाल्लाह ये हमारी सेवइयां जो है ये गली हुई होंगी। अभी मैं 5 मिनट ज़रा इंतजार करता हूँ कि ये गल जाए, इसके बाद आपको बताते हैं कि क्या करना है। अच्छा जी, माशाल्लाह आपने देखा कि ये सेवइयां जो हैं ये हमारी गल चुकी हैं। ठीक है, बंद ही चूल्हा करके आपने इसको गलाना है। अब माशाल्लाह अगर आप इसको देखें तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है ये गल चुकी हैं, ओवर कुक भी नहीं हुई और इसका कलर भी फेड नहीं हुआ। ये दो जो हैं फायदे हुए इससे। ठीक है, और अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको स्टेन कर लेंगे। आपने किसी भी बर्तन के अंदर फौरन इसको स्ट्रेन कर लेना है कि ये ओवर कुक ना हो। ठीक है, और मैं क्या करूंगा कि थोड़ा सा पानी जो है इसमें डाल के इसके ऊपर ये सेवइयां जो है ये भी डाल दूंगा। ठीक है, और उसके बाद अच्छे सा निचड़ गया जैसे ही, तो हम इसको क्या करेंगे कि दोबारा इसी बर्तन के अंदर हम इसको सेवइयों को डालेंगे। सेवइयों को डालने के बाद आपने ये जो काम है ये फौरन करना है और इसके अंदर डालेंगे घी। ठीक है, 1-2 चम्मच घी डालेंगे इसके अंदर। सही है, 2 चम्मच घी का डाल के हम इसको सोते कर लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जब इसके अंदर हम इसको बनाते हैं या उबालते हैं ना, तो इसके अंदर पानी मिक्स होता है। ठीक है, तो पानी को थोड़ा सा सोते करेंगे कि ये बहुत ज्यादा आपने इसको हलाना नहीं है, बहुत ज्यादा आपने इसको चलाना नहीं है। ठीक है, जरा सा हम इसको सोते करेंगे और 2 मिनट के लिए, जैसे ही ये जरा सी सेटिंग हो जाती है कि पानी इसका ड्राई हो जाता है, खुशक हो जाता है, तो हम इसको हला देंगे। बस इतना ही काफी है। ठीक है, इसको हमने सोते कर लिया और सोते करने के बाद हमने एक एक साइड पे इसको रख लिया। ठीक है, अब ले आते हैं अपने खोए को। अब देखेंगे इसको कि जरा सा वॉर्म होना चाहिए आपका खोया। सही है, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अगर ये बिल्कुल ही ठंडा हो जाए आपके काम करते करते, तो आपने हल्का सा इसको गर्म कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी, खोया हमारा थोड़ा सा ठंडा था तो मैंने थोड़ा सा वॉर्म कर लिया इसको
और अब आधा कप जो है, आधा किलो के अंदर आधा कप जो है वो वही पिसी हुई चीनी जो कि मैंने पहले बनाई थी, ठीक है, वो इसके अंदर शामिल करूँ। थोड़ी सी कम थी, थोड़ी सी और डाल देता हूँ, ठीक है। आधा कप आपने भर के इसके अंदर डाल देना है। अब मैं इसको मिक्स करूंगा। चीनी मिक्स करने के बाद ये जो हमारे पास सोते की हुई सेवइयां है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। इलायची मैंने शामिल कर दी और सेवइयां जो है वो अब मैंने आपके सामने जो है वो इसके अंदर शामिल कर ली। और अब मैं इसको बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ जो है वो इसको मैं खोए के अंदर मिक्स कर दूंगा और माशाल्लाह बहुत अच्छी कलाकंद जो है ये आपकी रेडी हो जाएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा आपने इसको घोटा नहीं मारना, आपको पता है कि ये सेवइयां जो है बहुत नरम होती हैं, तो आपने बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ जो है इसको मिक्स कर लेना है। और अब माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये मिक्स हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैं किसी भी ट्रे के अंदर इसको, आपके पास ट्रे हो, आपके पास ऊंची वाली प्लेट हो, बेशक आप इसको किसी भी इसके मार्बल के ऊपर जो है वो आप इसको वो कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको किसी भी ट्रे के अंदर डालूंगा, डाल के जो है इसको रख दूंगा क्योंकि ये ठंडी हो जाए। अच्छा जी, अब मैं कोई सी भी ट्रे आपने ले लेनी, जैसे मेरे पास यही अवेलेबल है, तो इसके अंदर मैंने घी से इसको ग्रीस कर लेना है, ठीक है। अगर देसी घी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, जहां पहले मैंने सेवइयों के अंदर घी डाला था वो भी अगर आप देसी घी डाल लें तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, बड़ी खुशबू आएगी, बड़ा मजा आएगा। अब मैं क्या करूंगा के सेवइयों को इसके अंदर जो है वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। और आपने भी बहुत जोर जबरी आपने नहीं करनी इसके साथ, क्योंकि नरम सेवइयां है और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही मजेदार आपकी रंगीन कलाकंद जो है वो आपकी तैयार हो गई। अब मैं आपके सामने इसकी सेटिंग बना लूंगा। तो ये चीजें जो है ये चम्मच के साथ, बड़े वाले चम्मच जो कि उसके लिए होता है, चावलों वाला चम्मच, हल्का सा निकालने वाला जो चम्मच होता है, उसके साथ कोई सी भी ऐसी प्लेट ले लें अगर आपके पास प्लेट है तो। अच्छा, आपने ना बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ जो है वो इसको इक्वल कर लेना है। बिल्कुल इक्वल करने के बाद आपने जरा सा इसको छटक देना है इस तरीके से, क्योंकि नीचे से जो इसके अंदर कोई एयर होगी तो एयर पॉकेट जो है वो इसकी निकल जाएगी। और इसको एक दो दफा पलटे पटकें, पटकने के बाद आप इसको ठंडी होने के लिए छोड़ दें। अभी हम इसको 15 से 20 मिनट तक जो है वो ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे कि अच्छी सी ये जम जाए। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करके आपके सामने हम निकालेंगे इसको और इसकी कटिंग करेंगे और इसको काटेंगे, फिर आगे चल के बताएंगे कि कितने खूबसूरत हम बनाएंगे इसको। अच्छा जी, आपने क्या करना है, ये ठंडी हो चुकी है माशाल्लाह, बड़ी प्यारी और नरम और जबरदस्त लोचदार जो है। आपने सबसे पहले जो है वो इसकी साइडें जो है वो छुड़वा लेनी है। ये देखें, ये साइडें छूट गई इसकी, ठीक है, ये साइड से साइड छोड़ दी इसने। अब इस तरफ से भी आपने हल्का सा अगर आप ठकोरेंगे इसको तो ये देखें ये भी साइडें छोड़ दी इसने। ये है तरीका कार इसका। हल्का सा हम ये ऊपर वाली साइड से भी इसको जो है वो इस तरीके से इसको छुड़वा लेंगे, ठीक है, ये भी इसने साइड छोड़ दी। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसके ऊपर पलट देंगे, ठीक है। जैसे ही हमने पलटा तो ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये भी ये छोड़ दे, सही है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि इसको पलट लेना है। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत नरम है, देखें बहुत मजेदार है, ये नरम है जरा सा, और इसको मैं सेटिंग करके इसकी प्यारी सी कटिंग करेंगे और कटिंग करके जो है प्लेट के अंदर हम पिस्ते से गार्निश करके इसको जो है वो सजा के आपको दिखा देंगे। और इसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह टेबल पे जी। तो आपने देखा माशाल्लाह कि रंगीन कलाकंद जो है ये मैंने आपको आज बनाना सिखा दी, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से, बहुत आसान रेसिपी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि खुशी के दिन आ रहे हैं, ईद का ईद की आमद आमद है, तो मैंने पहले ही सिखा दी कि ये आप जो है बना के एक दो दफा ट्राई कर लें और इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। और आपको, आप इसको बनाएं, बना के जो है वो प्यारों में, अपने प्यारों में, अपने हमसायों में, अपने अजीजों में इसको तकसीम जरूर करें और दाद वसूल करें, मोहब्बत प्यार वसूल करें। और उम्मीद करता हूं कि आप इसको बनाएंगे और बना के दाद वसूल करेंगे। और जल्दी चलते एक प्यारा सा शेर कह दूं,
उम्र भर खाली यूं ही मकान रहने दिया, उम्र भर खाली यूं ही मकान रहने दिया, तुम गए तो दूसरे को कब यहां रहने दिया। मैंने कल सब चाहतों की किताबें फाड़ दी, मैंने कल सब चाहतों की किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज पे लिखा लफ्ज मां रहने दिया। इसके साथ ही अफजल निजामी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।